निवाड़ी के मड़िया गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने शराब पीकर जमकर हंगामा किया। दरअसल कस्तूरबा हॉस्टल में बने क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां ड्यूटी में तैनात वनरक्षक ने हंगामा किया। डायल 100 पर शिकायत भी की गई। पुलिस ने वनरक्षक को हिरासत में लिया है। उसके बाद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर पुलिस ले गई, उसका मेडिकल कराकर उसे पृथ्वीपुर थाने में बंद कर दिया। तो जब से शराब की दुकानें खुली हैं, कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। वनरक्षक ने शराब पीकर यहाँ पर हंगामा किया है। निवाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस वनरक्षक को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। पृथ्वीपुर थाने में मेडिकल कराने के बाद उसे बंद कर दिया गया है। राम रैकवार है, वनरक्षक, जिसकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी कस्तूरबा जो क्वारंटाइन बनाया गया है मड़िया में, तो वहाँ से शिकायत प्राप्त हुई थी कि शराब पिए हुए और नाटकबाजी कर रहा है। क्योंकि वहाँ अभी कोई क्वारंटाइन वो नहीं था, तो डायल 100 को भेज के, यहाँ से पुलिस गार्ड को भेज के उसको बुलवा के और उसकी MLC करा दी गई है और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और उनको वापस। और इस तरीके की तस्वीरें देख के ही सवाल यही खड़ा हो जाता है, क्या MP में भी शराब बहुत ज्यादा बिकेगी? और अगर बिकेगी तो तस्वीरें इसी तरीके की देखने को मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सरकार के पास वित्तीय संकट है। वित्तीय संकट से उबरने के लिए क्या MP में भी शराब महंगी हो जाएगी, जैसे कि UP और दिल्ली में हुआ है? इसको लेकर मुख्यमंत्री को एक बैठक करनी है, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। शुभम हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शुभम, क्या मध्य प्रदेश में भी अब शराब पर टैक्स लगेगा, जैसे कि दिल्ली और UP में लगा है? अगर ऐसा होता है तो स्थिति क्या होगी? देखिए गुंजन, जिस तरह की वित्तीय स्थिति मध्य प्रदेश की है, क्योंकि पहले भी जब कमलनाथ सरकार थी या उससे पहले जब शिवराज सरकार थी, कोई वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी। हम देख रहे थे कि जहाँ जहाँ सरकार को मौका मिलता था वहाँ पर कंट्रोलिंग भी की जाती थी कि पैसा खर्च यहाँ पर नहीं किया जा सके। और ऐसे में अब जब हम देख रहे हैं कि जो कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया गया था, महंगाई भत्ता दिया गया था, वो तक सरकार ने उनसे वापस ले लिया है, लिहाजा इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वित्तीय स्थिति क्या है। अब ऐसे में 40 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है लॉकडाउन को, सब कुछ कामकाज पूरी तरह से ठप है, लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में शराब पर टैक्स बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर अभी तक हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है, मगर विचार जरूर किया जा रहा है। अधिकारियों के साथ एक बैठक भी शिवराज सिंह चौहान करेंगे, हालांकि आज इस तरह की कोई भी बैठक नहीं है, इसको लेकर लगातार विचार चल रहा है और उसके बाद कोई ना कोई निर्णय लिया जा सकता है। शुभम, कब तक ये बैठक हो सकती है और उसके बाद कब तक ये फैसला लिया जा सकता है? देखिए आने वाले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो उसमें ये बैठक हो सकती है और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि 1800 करोड़ रुपए का जो है लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है शराब न बिकने के चलते, आबकारी विभाग की ये रिपोर्ट है। तो ऐसे में अब हमें देखना होगा कि कितना टैक्स बढ़ाया जाता है। हमने दिल्ली में देखा कि 70% टैक्स MRP से ज़्यादा बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश में हालांकि उस तरह की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए कि अभी तक उस तरह की तस्वीरें भी मध्य प्रदेश से नहीं आई है जो हमें दूसरे राज्यों में देखने को मिली थी कि 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर की लंबी कतारें हमें देखने को मिली हो। तो सरकार ये भी विचार करेगी कि ऐसा ना हो कि इतना टैक्स बढ़ा दिया जाए और नतीजा ये हो कि लोग शराब खरीदने ही नहीं जा रहे हो, कि इतनी महंगी शराब नहीं पीना है, लिहाजा पहले सरकार देखेगी। इसीलिए ये मीटिंग रखी जाएगी और उसमें सभी से अपने अपने विचार सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जानेंगे, विचार विमर्श करने के बाद ही। लेकिन शुभम, क्या सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है शराब के ऊपर टैक्स लगाकर रेवेन्यू जनरेट करने के अलावा? वित्तीय स्थिति बिल्कुल खराब है, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि इससे बुरी तस्वीरें भी नजर आई हैं? बिल्कुल गुंजन, सरकार के पास पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी राजस्व वसूलती है, यहाँ पर भी सरकार VAT लगाती है और मध्य प्रदेश में तो पहले ही पूरे राज्यों की अगर आप तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा VAT अगर कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल अगर कहीं पर बिक रहा था तो वो मध्य प्रदेश में था, लिहाजा और VAT बढ़ाने की बात तो अब सामने नहीं आती है। मगर पेट्रोल डीजल बिक नहीं रहा है, लिहाजा यहाँ से भी सरकार का जो राजस्व है वो खत्म हुआ, शराब नहीं बिक रही थी ये भी खत्म हुआ। तीसरा, अगर हम
जीएसटी की बात करें, जो अलग अलग सामान अगर खरीदते हैं और वहाँ पर हम जीएसटी चुकाते हैं, तो शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, वहाँ से सरकार का कोई टैक्स नहीं आ रहा, कुल मिलाकर सब कुछ कामकाज पूरी तरह से ठप है। तो जो जीएसटी आता भी था, जिसमें से 9% केंद्र को देना होता है, 9% राज्य सरकारें रखती है, उसमें भी सरकार को खासा नुकसान हो रहा है। यानी कि जहाँ जहाँ सरकार के पास आय के स्रोत हैं, जहाँ जहाँ से सरकार पैसा कमाती है, जहाँ से टैक्स से, वो सब कुछ खत्म हो गया है। अब दूसरी तरफ ये गुंजन कि आपको जो 4.5 लाख कर्मचारी हैं, उन्हें भी आपको पैसा देना है, उन्हें आपको सैलरी भी देना है मंथ की, तो वो सरकार कहाँ से लाएगी, उसको लेकर भी सरकार को चिंतन करना है। दूसरा, मजदूरों को भी जो 2-2, 3-3 महीने का राशन सरकार को तमाम चीजें बैलेंस करनी है, और बैलेंस करते हुए जो वित्तीय संकट आया है उसको भी देखना है, देखना होगा कब तक फैसला लिया जाता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, जानकारी लेंगे आपसे आगे। तो आपको बता दें कि एक अहम बैठक हो सकती है, बैठक के बाद ही फैसला लिया जा सकता है कि एमपी में शराब पर टैक्स बढ़ेगा या नहीं, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा।